देखिए, टूल पोस्ट कैसे चेक करना है। ये टूल पोस्ट लूज़ है, डायल में दिख रहा है कितना लूज़ है। अब मैं इस टूल पोस्ट को रिप्लेस करता हूँ। देखिए, ये नया टूल पोस्ट, दूसरा टूल पोस्ट ये लगा रहा है जो स्टड के ऊपर बराबर फिट बैठेगा। ये बैठा हुआ टूल पोस्ट अब कितना बैकलेस देता है ये हमें चेक करना है। यहाँ पे हार्डली 20 माइक्रोन का बैकलेस है, तो ये टूल पोस्ट सही है। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस लाइट को कैसे चेक करना चाहिए। ये क्रॉस लाइट को आप पहले सेंटर में ले लें। जब दूसरे सिरे से क्रॉस लाइट बाहर आ जाता है तो इस तरह से डायल लगाइए। डायल लगाने के बाद एक आदमी उस साइड से दोनों सिरे से जब मारेगा तो यहाँ 20 माइक्रोन तक का बैकलेस होना वाजिब है। अगर आपको ज़्यादा बैकलेस मिलता है उस हालत में आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पैनर और आपका स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इस तरह से सेट करने के बाद आपको 20 माइक्रोन का बैकलेस मिलेगा। ये अब हम सेट कर रहे हैं कैरेज को। देखिए, कैरेज को इस तरह से, ये मैं दूसरी बार दिखाता हूँ, इस तरह से कैरेज को ये अपवर्ड्स ऊपर की ओर खींचता है ऑपरेटर। जब डायल इस तरह से लगाने के बाद ऑपरेटर इसको अपवर्ड ऊपर की तरह खींचता है तो इसमें 20 माइक्रोन का प्ले होना वाजिब है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर मशीन में वाइब्रेशन आता है तो किस तरह से क्विक आप मशीन को चेक करके फिक्स वाइब्रेशन को फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू।